हाय गाइस, मैं शांत हूं। आप देख रहे हैं टेक्निकल शांत और स्टूडियो में। मैं आपको बताऊंगा मी वेट फॉर लोन 5 का मॉडर्न आईएस लॉन्चर को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी शॉमी डिवाइस में। तो अगर आप चैनल पर नए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको एम ई वेट वेलोन 5 का आईएस मॉडर्न लॉन्चर वर्जन 2 को ट्राई करना है कोई भी शॉमी डिवाइस में, तो इसको आप कैसे ट्राई कर सकते हैं, सभी फीचर्स शो करने वालों कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, आपको सभी कुछ पता चल जाएगा। तो अगर आप देखें तो इसमें आपको ज़्यादा मतलब आपका डिफॉल्ट लॉन्चर से ज़्यादा मतलब जो आपका मॉडर्न नहीं है उससे ज़्यादा आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। और अगर आप देखें इसका आपको जो रिसेंट मेन्यू है वो आपको आईएस जैसा सेम टू सेम बिना विंडोज़ के साथ देखने को मिलता है। और अगर आप देखें तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो कर्व है वो आपको सेम टू सेम आईएस जैसा देखने को मिल जाएगा। इसका वर्जन 1 जो कि दूसरा डेवलपर की तरफ से था उसमें आपको इतना कर्व देखने को नहीं मिलता है, बट इस जो अपडेट है इसमें आपको देखने को मिल जाता है ज़्यादा कर्व, और आपका जो ब्लर है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ये आपका जो आईएस लॉन्चर है मॉडर्न वाला, ये आपका बिल्कुल लैग नहीं करता, चाहे कोई भी फ़ोन में आप इसको ट्राई कीजिए ये आपका लैग नहीं करता। तो पर्सनली मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। इसमें अगर आप जाइएगा होम स्क्रीन सेटिंग में तो इसमें आपको ग्रिड का ऑप्शन जो ये आपका काइंड ऑफ अनलिमिटेड मिलता है, जो कि आपका 7:9 आई गेस मिलता है, जो कि आपका समझ लीजिए कि एक ही पेज में जितना भी आप आइकन पैक रखे हो, जितना भी आइकन रखे होंगे सभी आपका एक ही पेज में आ जाने वाला है। तो ऑब्वियसली इसको आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, ज़्यादा नहीं एक बार ट्राई करना चाहिए, फिर आप खुद ही इसको अपडेट कीजिएगा या खुद ही मेरे से लिंक मांग लीजिएगा या डायरेक्टली आप खुद ही खोज के डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना इंटरेस्टिंग ये लॉन्चर है, फीचर्स काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, ब्लर का ऑप्शन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, एनिमेशन आपको काफ़ी अच्छा पहले से स्मूथ देखने को मिलेगा, जो कि आपका फ्लैगशिप डिवाइस में MIUI 12 का देखने को मिलता है, जो कि बाय डिफॉल्ट लॉक रहता है लोअर एंड डिवाइस में। जैसे कि मतलब आप मी का डिवाइस में जो फीचर देख सकते हैं वो आपका रेडमी का डिवाइस में इनेबल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसमें ब्लर का ऑप्शन कितना अच्छा है, और अगर आप जाइएगा इसमें मतलब होल्ड करके रहो तो आपको ब्लर हो जाएगा डायरेक्टली, और अगर आप जाइएगा इसका मतलब एनिमेशन देखिए स्वाइप अप स्वाइप डाउन कीजिए उसमें आपको नया एनिमेशन देखने को मिलता है। और अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो आपको इसके लिए पता है कि आपका डिवाइस रूटेड होना डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए आपको बस मेन पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा मैनेज ऐप्स में, मैनेज ऐप्स में जाने के बाद आपको जाना होगा सर्च करना होगा सिस्टम लॉन्चर। जैसे आप सर्च कीजिएगा सिस्टम लॉन्चर तो आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपका डिवाइस मतलब सिस्टम लॉन्चर अपडेटेड अल्फा वर्जन में, तो उसको पहले आप अनइंस्टॉल कीजिए अपडेट को। अनइंस्टॉल करने के बाद अपडेट को सिंपली आपको जाना होगा मैजिक्स मैनेजर में। मैजिक्स मैनेजर आपको पता ही है, तो उसके लिए मतलब बिना रूट का मैजिक्स मैनेजर होता नहीं है, तो आपको पता है कि रूट करना होगा, फिर आपको मैजिक्स मैनेजर इंस्टॉल करना होगा, तो फिर मैजिक्स मैनेजर जाइए इंस्टॉल कीजिए। मतलब अगर नहीं किए होंगे तो फिर जाइए मॉड्यूल्स में, और मॉड्यूल्स में आपको मिल जाएगा लिंक जो कि आपका मतलब आईएस का मॉडर्न लॉन्चर है, हमें MIUI 12.5 का आईएस मॉडर्न लॉन्चर, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, उसको ब्राउज कीजिए। सिंपली आप जहाँ पे भी सेव कर किए होंगे जी वहाँ तक ब्राउज करके और सिंपली उसको ओके कर दीजिए, और फिर आपका फ़ोन रीस्टार्ट होगा और समझ लीजिए उसके बाद आपका जो ये लॉन्चर है वो आपको इंस्टॉल होगी, आप डायरेक्टली उसको मतलब ट्राई कर सकते हैं। तो आपको बस सर्च करना होगा कहाँ पे भी आपका जहाँ पे वो लॉन्चर छुपा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बहुत सारा मतलब मैं ट्राई करते रहता हूँ सिर्फ फाइल्स मतलब मॉड्यूल्स, तो मेरे में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और नॉर्मली बहुत सारा और भी ज़िप है दूसरा भी, तो आप डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, और बस आपका रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपको फ्लैश हो जाएगा तो रीस्टार्ट कीजिए और फिर आप गुड टू गो है, डायरेक्टली आप उसको ट्राई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद। और बताइए आपको कैसा लगा ये MIUI 12.5 का iOS मॉडर्न लॉन्चर 2.0, जो कि मेरे को काफ़ी पसंद आया, आपको कैसा लगा वो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया होगा लॉन्चर तो वीडियो को लाइक कीजिए और जाके मतलब डेवलपर को बताइए कि मेरे तरफ से याद हो जाइए, उसको कुछ कमेंट कर दीजिए जाके उसका ग्रुप में, इतना हेल्प कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप करके नोटिफिकेशन कॉल पर रख दीजिए। वीडियो ज़्यादा पसंद आता होगा तो शेयर कीजिए, और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए डेली वेट कीजिए, डेली वीडियोज़ देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट कीजिए। और एक चीज़ आप कर सकते हैं मतलब शेयर कर सकते हैं वीडियो में, लाइक एम रखते हैं 180 जो कि आप शायद कंप्लीट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। और हाँ, इस चैनल पे ज़रा रोड टू 40K, तो जो कि आई गेस आप कंप्लीट कर दीजिएगा जल्दी, तो प्लीज़ 40K जल्दी कीजिए या करवाइए, पकड़ पकड़ किसी को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब कल ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे भी अच्छा वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।